हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पनीर टिक्का दम बिरयानी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर टिक्का की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए एक बोल में हम डालेंगे एक कप दही। दही थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। उसमें हम डालेंगे एक बड़े चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच, नमक एक छोटी चम्मच। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसमें हम अपने पनीर और सब्जियों को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे पनीर। पनीर को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। पनीर मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के लगभग लिया है। शिमला मिर्च दो बड़े क्यूब्स में कटे हुए, एक छोटी प्याज। प्याज को मैंने चार पार्ट में डिवाइड करके उसकी परतें निकाल ली थी। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को बॉयल करेंगे। इसके लिए मैं भगोने में मैंने 2 लीटर पानी डाला है। इसमें हम 3 कप चावल डालेंगे। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लंबे चावलों का यूज़ किया है। चावल को मैंने पहले आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। अब इसे हम बॉयल करेंगे। चावलों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, ना तो इसे हमें कुकर में पकाना है। इसे हमें किसी बड़े बर्तन में बनाना है, या तो भगोने में या फिर कढ़ाई में बना सकते हैं। इसे हमें सिर्फ 50% पकाना है, 50% बाकी ये बाद में पकेगा। इसे हम ढक देते हैं। चावल हमारे पक चुके हैं, आधे पके हो चुके हैं। अब इसे हम ड्रेन कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी 2 छोटे टुकड़े में, लौंग 5 से 6 पीस, इलायची, बड़ी इलायची लिया है 2 पीस, छोटी इलायची 2 पीस, काली मिर्च के दाने 10 से 12। इसे हम थोड़ा भूनेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है स्लाइस में। अब इसे हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 टमाटर को बारीक काट लिया है। अब हम उसे डाल देंगे और इसे हम भूनेंगे। इसे हम गलने तक पकाएंगे। फ्लेम यहाँ पर हाई रखेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाला है। अब इसे हम भूनते हैं। सब्जियाँ हमारी भून चुकी हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही 1 कप, फ्रेश दही होनी चाहिए। इसे हम मिलाएंगे। फ्लेम यहाँ पर हाई ही रखेंगे हम। अब डालेंगे जो मैंने पनीर को मैरिनेट किया था, वो हम डाल देंगे और मिलाएंगे। सारी चीज़ें हमारी आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें चावलों को डालेंगे। चावल की एक अच्छी सी लेयर इस पे हम लगा देंगे, ताकि सारी सब्जियां हमारी अच्छे से कवर हो जाएं। फ्लेम यहाँ पर हम बिल्कुल लो कर लेंगे।
आधे कप दूध में 15 से 20 धागे केसर के मैंने भिगो कर रखे थे, अब हम इसे डाल देंगे ऊपर से, इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। अब हम इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे इसे। ऐसा करने से मसालों का सारा फ्लेवर चावलों में आ जाता है अच्छे से। अगर आप नहीं कवर करना चाहते तो ना करें, ऐसे भी ढक सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कवर होना चाहिए। फ्लेम बिल्कुल हम लो रखेंगे यहाँ पे और इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। इतनी बिरयानी 6 से 7 लोगों के लिए पर्याप्त है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कैसी बनी थी। थैंक यू।